हरियाणा के पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों के बीच दंगल को पूरे देश ने देखा। उनके दांव पेचों से खेलों का माहौल तो गर्म हो रहा है, लेकिन अब हरियाणा में एक और दंगल सज गया, चुनावी दंगल, जिससे सियासी अखाड़े का माहौल ही बदल गया। जहां एक तरफ हरियाणा के नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए, तो वहीं बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल पुराना गठबंधन टूट गया। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हाथ मिला लिया। आखिर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन क्यों टूटा? क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी ने विधानसभा के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है? आइए समझते हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, शायद संख्या कम लगे आपको, मगर 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में सभी 10 सीटें जीतकर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया था। बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और मुख्यमंत्री नायब सैनी के भरोसे पर सभी 10 सीटें जीतना चाहती है। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। जेजेपी की 2 सीटों की मांग पर बीजेपी केवल 1 सीट देने को तैयार थी, और वो भी कुरुक्षेत्र की सीट। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत पटरी से उतर गई। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि अब तक पार्टी के कई बड़े नेताओं का मानना है कि बीजेपी को हरियाणा में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि कई नेताओं के दल बदलने से भी हरियाणा में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप विश्नोई इस बार बीजेपी के खेमे में है। विश्नोई समाज के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा 2019 में सिरसा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने वाले अशोक कनवर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा की राजनीति इस वक्त जाट और गैर जाट के बीच बटी नजर आ रही। ऐसा नहीं कि ये हाल के दिनों में हुआ है, ये कहानी कई साल पहले की है। जाट वर्ग का ज्यादा झुकाव इस वक्त कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की ओर दिखता है, वहीं गैर जाट का झुकाव राज्य में बीजेपी की ओर दिखाई पड़ता है। गैर जाट वोटर्स में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है। राज्य के नए सीएम नायब सैनी भी इसी वर्ग से आते हैं। जाट वोटों का झुकाव फिलहाल राज्य में बीजेपी की ओर कहीं नहीं दिखता है। लेकिन गैर जाट वोटों को एक साथ लाने में ये फैसला कारगर सिद्ध हो सकता है। पिछले 9 सालों के दौरान राज्य में किसान आंदोलन और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनने लगी थी। कुछ चुनावी सर्वे में ये बात सामने आई। ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए पार्टी ने नए सीएम पर विचार किया है। ऐसा प्रयोग बीजेपी उत्तराखंड और गुजरात में कर चुकी है। पार्टी ने करनाल लोकसभा क्षेत्र से मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राज्य में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी मोदी के नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कुरुक्षेत्र लेने के पीछे आम आदमी पार्टी की कुछ खास वजह रही है। पहली वजह ये रही कि ये सीट पंजाब के पटियाला से लगती है। चूंकि पंजाब में आपकी सरकार है, इसलिए पार्टी के नेताओं का मानना है कि चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी वजह है कि यहाँ पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ससुराल भी है और वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं साल 2019 में सियासी दलों का वोट शेयर क्या रहा था। तो बीजेपी का 58.21%, कांग्रेस का 28.51%, जेजेपी और आप 4.9%, बसपा 3.65%, इनेलो 1.9%, अन्य 2.50%, वहीं नोटा 0.33% रहा। अब आपको कुरुक्षेत्र के जाति समीकरण के बारे में भी बताते हैं। यहाँ कुल 18 लाख के करीब वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14-15% जाट वोटर्स हैं। इसके साथ ही 4% जाट सिख है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी वोटर्स की संख्या 8-8% है। इसके अलावा 5% अग्रवाल समाज के वोट बताए जा रहे हैं। 8% ब्राह्मण एससी एसटी के 19% वोटर हैं। आपके हाल ही में कराए गए सर्वे में इनमें अच्छा रिस्पांस मिला है। आम आदमी पार्टी जीत से ज़्यादा अपना वोट बैंक बढ़ाने पर जोर दे रही है।
हालांकि पंजाब में कांग्रेस के साथ दो दो हाथ है, लेकिन हरियाणा में वो कांग्रेस के पंजे के सहारे है। लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों गुटों के अलग अलग रैलियां और कार्यक्रम होने से कार्यकर्ता इधर उधर डोल रहे हैं। इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में शून्य पर रही कांग्रेस का परचम एक बार फिर राज्य में लहराना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में यहाँ बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, INLD और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी। हरियाणा लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और स्टोरी के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।